पूरा देश जहां एक ओर इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भीषण तपिश में आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। गर्मी से निजात पाने के लिए लगाए गए एसी ही आभासों की वजह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला मेरठ मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां गायनेकोटी में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। दरअसल थाना मेडिकल क्षेत्र के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में गायनेकोटी में आज सवेरे अचानक आग लग गई, जिससे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन फनन में घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं, और दमकल विभाग कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गायनेकोटी में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग अपने विकराल रूप में है और उसे बुझाने में दमकल विभाग कर्मी जुटे हुए हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर मेरठ CFO संतोष कुमार राय का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल था। ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड चार फ्लोर का था, और सेकंड फ्लोर पर इसके ओटी था, और ओटी में आग लगी थी। सूचना मिल रही, तत्काल फायर सर्विस की 6 गाड़ियां यहां पर पहुंच करके, मैं कर्मचारियों के साथ पहुंच करके इसको आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया, जिसमें सारे लोग मरीजों को जो है पलायन करा दिया गया सेफली, और किसी तरह कोई जीवान नहीं है। आग लगने के कारण अभी चूंकि अब इंस्पेक्शन किया जाएगा, इसके बाद जानकारी प्राप्त होगी। सर पतंग दिखाई दे रहा है कि एसी फटा है कोई? एसी फटा तो नहीं था, लेकिन चूंकि अब बिजली का कनेक्शन जीवित था, इसलिए प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट की संभावना लग रही है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ साथ दमकल विभाग की टीम ने सूझबूझ दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन कर वहां मौजूद मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।